Hello everyone, as you know that on 15th of March, GATE result was out and आज हमें join कर रहे हैं आकाश वर्मा and इन्होंने score किया 134 rank. So आकाश, tell me about yourself. Myself आकाश वर्मा, I am pursuing BTech final year from IIT Lucknow. I have scored all India rank 134 in GATE CSE 2019. Okay, and how much marks? I scored 73.69 marks. Okay. So tell me about your preparation journey. कहाँ से आपने start किया and you know कि first thought कि मुझे gate करना है. तो why you are giving this exam? जब 2018 का result out हुआ था तो हमारे college के एक senior थे अभिषेक भारद्वाज. So उनकी rank आई थी 19. तो उनके through मुझे idea लगा कि एक gate CSE कोई ऐसी चीज़ होती है. तो मैंने गूगल करना शुरू किया कि गेट क्या होता है ये सब. फिर मैंने सर से बात की तो मुझे सर से जाके पता चला कि आईआईटीज़ और पीएसयूज़ में एक अच्छा करियर बनाने के लिए ये गेट का एग्ज़ाम देना होता है. देन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन फोर्थ सिक्स सेम्स ओनली एंड आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वन ईयर ऑफ होल टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई गेट एग्जाम. यस मैम, बिकॉज एक साल का समय होता है उसमें दो सेमेस्टर भी हम लोग को देने होते हैं. बिकॉज आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट तो दो सेमेस्टर देने होते हैं और प्रोजेक्ट्स हो रही है तो 8 to 10 मंथ्स का समय मिलता है हम लोग को प्रिपेयर करने का. कॉलेज स्टडीज हैव टू मेंटेन एंड प्लेसमेंट्स एंड गेट्स. हां, प्लेसमेंट्स में तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड और टेक्निकल आपका अच्छा हो जाता है. कोडिंग में थोड़ा बहुत आपको फोकस करना होता है. वो भी आप गेट की प्रिपरेशन आपके लॉजिक्स बिल्ड कर देती है तो आपको कोडिंग में भी आसानी होती है. यस मैम, गेट की प्रिपरेशन हेल्पफुल होती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये रहता है कि अभी ये जो टाइम है लास्ट सेमेस्टर है इस सेमेस्टर में हमें प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, प्रोजेक्ट्स भी सबमिट करना है, फिर गेट के लिए भी प्रेशर होता है. तो जस्ट वांट टू नो कि बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड राइट, क्योंकि प्लेसमेंट्स एंड गेट की प्रिपरेशन में क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर इज देयर, एल्गोरिथम इज देयर, कोडिंग पार्ट इज देयर और जो प्लेसमेंट्स के लिए भी इट्स वेरी हेल्पफुल. Because most of the big companies like Amazon or they focus on technical subjects like OS and DBMS. They ask questions from C and DS also. So one thing you need to know that all is good. Along with GATE, you can prepare for competitive placement. Mm-hmm. But you have to do coding. जैसे कि जो बड़ी कंपनीज आती हैं Amazon, Facebook, वो कोडिंग पार्ट उनका मेन होता है. पहले राउंड ही वो जो पहले राउंड में बच्चों को एलिमिनेट करती हैं वो कोडिंग राउंड में भी आई गेस C++. हाँ, वो कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कोडिंग करेंगे. हाँ, लेकिन जब आप जब इंटरव्यू में आएंगे वो तो क्वेश्चन वाइज गेट के सब्जेक्ट से ही कोड टेक्निकल सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं. OS और ये DBMS ये सब सिर्फ सी एस कम सी हो. तो गेट की जो आप प्रिपरेशन जो आपकी जर्नी रही वो आपको प्लेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही. तो बिकॉज अभी आप लास्ट ईयर में हो, एट सेमेस्टर में हो एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी डेडिकेटली एक वन ईयर इसे डिवोट कर देते हैं गेट के लिए एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जॉब्स कर रहे हैं या फिर कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो कि हाउसवाइफ्स हैं राइट. सो उनके लिए जो टाइम मैनेज करना, क्योंकि गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि ऐसा रहता है कि कुछ लोग 2 या 3 साल लगा लेते हैं, कुछ लोग 7 मंथ्स में इसे प्रिपेयर कर लेते हैं. तो आपका क्या टाइम टेबल रहता था कि आपने जैसे 7 मंथ्स उसे डिवोट किया एंड यू गॉट 134 वन ईयर, ओके ऑलमोस्ट वन ईयर एंड यू गॉट वेरी गुड रैंक 134 रैंक राइट. सो आपका क्या टाइम टेबल रहता था इन 7 मंथ्स में या वन ईयर जो आपने ऑलमोस्ट लिया, क्योंकि आपने साइड बाय साइड कॉलेज भी किया है तो आपका कैसे टाइम टेबल रहता था? मैंने जब जिस समय स्टार्ट किया था तो क्लासेस भी चलती थी 9 से 5, तो मैं बेसिकली मैं इतना रखता था कि हमारे सेमेस्टर में डिवाइड ना हो किसी सेमेस्टर से. ओके, तो इतनी अटेंडेंस मेंटेन रखता था. उसके बाद मैं पहले आगे बेसिक शुरू किया तो मुझे दो तीन घंटे पढ़ना शुरू किया. तो इससे मुझे मैंने पहले उन सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जिनमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा था. ठीक है, तो CEDS मुझे फेवरेट लगते थे तो मैंने स्टार्ट किया. तो जब मैंने शुरू किया तो मुझे कंप्यूटर साइंस की फील आना शुरू हुआ कि अच्छा ठीक है अब मुझसे हो सकता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ. फिर मैंने गेट के क्वेश्चंस लगाए तो फिर मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ. फिर मैंने जो टफ टफ सब्जेक्ट्स थे उनको टच किया, CN, COA. ठीक है, तब
असली स्ट्रगल आपका वहीं से शुरू होता है, आप कैसे इन चार पांच सब्जेक्ट्स को टैकल करते हैं, सी एन सी ओ ए डिस्क्रीट मैथ्स और एक दो सब्जेक्ट्स और हैं, ठीक है, तो असली स्ट्रगल यहीं से आपका शुरू होता है। तो मेन आपका डाउट भी वहीं से आना शुरू होता है, ठीक है, फिर आपको डाउट क्लियर करने के लिए वेरियस सोर्सेज, यस। तो फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि सबसे पहले आप अगर आप एक इनिशियल फेज से आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो जैसे कि आकाश ने बताया कि आपको सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करना है जो आपके यू नो इंटरेस्ट वाले एरियाज हैं, जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स जो आपको लगते हैं कि आपके इस एरिया से आपको स्टार्ट, फिर ग्रेजुअली आपको थोड़े से टफ की तरफ आपको आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम्स ऑलरेडी दिया हुआ है एंड दे फाउंड कि कुछ रीजन की वजह से कि उनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ या फिर दे आर नॉट एबल टू गेट गुड रैंक, सो फॉर दोज स्टूडेंट्स आप क्या एडवाइस दोगे कि वो अपनी मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव करें ताकि आगे जो उनका रैंक हो वो अच्छे से वो रैंक ले सके? तो मेनली जो स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं वो गेट के 3 घंटे के पेपर में जो सिली मिस्टेक्स करते हैं। ओके सर, आई मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ था एक क्वेश्चन था एल्गोरिथम का कि एन सॉर्टेड एरे लिखा हुआ था, तो मैंने उसे अनसॉर्टेड एरे पढ़ के ऑर्डर उसे ओके हाँ तो उससे मेरा 2.67 मार्क्स का नुकसान आया। ओके अगर वो नहीं हुआ तो मेरी रैंक अंडर 50 या कुछ आ जाती, वो जो जो भी था। लेकिन तो ये जो सिली सिली मिस्टेक्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है एग्जाम में। आप कितनी भी अच्छी कर लें, आप अगर सिली मिस्टेक्स को भी मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं डिस्क्रीट में, आपकी एपीएमसी बहुत अच्छी है, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड नहीं कर रहे हैं तो आपकी गेट में रैंक बहुत कम हो सकती है। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? मैम सिली मिस्टेक्स तो बस प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकती हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग से या किसी भी आपके जो भी आपको फेवरेट हो उनके मॉक टेस्ट को, तो उनको लीजिए, कुछ मॉक टेस्ट दीजिए, तो आपको पता चलेगा आप किस फील्ड में वीक है, कि कहाँ आप सिली मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं। लेकिन गेट में गलतियाँ दो ही चीज तरीके की होंगी, या तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, या तो कॉन्सेप्ट पता होगा आपने गलत इंप्लीमेंट किया, या सिली मिस्टेक्स होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो उसे भूल जाइए, वो गलती नहीं है आपकी, ठीक है। लेकिन गलती आपकी तब है जब आपको कॉन्सेप्ट पता है और आपने फिर सिली मिस्टेक्स की हैं, ठीक है, और एक या दो सिली मिस्टेक्स से ही आपकी रैंक 400 या 500 की डिफरेंस आ जाएगी। या आपको कॉन्सेप्ट पता है या आपको उसे फिर इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि कई बार आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मोल्ड करके वो आपको दे देते हैं, तो इन दैट केस मैम आईआईटीज के प्रोफेसर करते क्या है कि एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम डिराइव करते हैं किसी थ्रू पैटर्न्स के थ्रू, तो हम लोग को फार्मूला याद होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको वो पैटर्न पता है उस किस तरीके से वो फार्मूला आया है तो आपके वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आईटीज के प्रोफेसर आपको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं, वो उन्हीं स्टेप्स में कुछ स्टेप्स को मॉडिफिकेशन करके देंगे और आप आंसर वो मारेंगे जो एक्चुअल फार्मूला है, लेकिन वो और वो जो चार ऑप्शन होंगे उसमें एक ऑप्शन वो भी होगा लेकिन आंसर कुछ और होगा। हाँ क्योंकि गेट का क्या रहता है कि हर साल क्वेश्चंस आपके रिपीट नहीं होते बट कंसेप्ट रिपीट होते हैं, बट देयर इज स्लाइट मॉडिफिकेशन इज देयर, दिस ईयर आल्सो दे हैव रिपीटेड अ डेडलॉक क्वेश्चन बट दे स्लाइटली मॉडिफाई द आंसर एंड कॉन्सेप्ट। सो दिस इज हाउ इट इज। ओके सो फर्स्ट थिंग इज कि अगर जब हम एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, दिस इज द लास्ट डेट, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ डिफरेंट पीपल हैज़ देयर ओन यू नो स्ट्रैटेजी कि हमें पेपर को इस तरह से अटैम्प्ट करना है, जैसे हम बात कर रहे थे कि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर एक स्टूडेंट है जिसे कंसेप्ट पता है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट अभी उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा है एग्ज़ाम को, मतलब अगर आप 3 घंटे के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है, एक आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज उसको प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीट किया, देन मैंने TOC कम्प्लीट किया, देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टॉपिक वाइज यू नो प्रिपेयर करते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिंक्रोनाइजेशन, स्केड्यूलिंग, डेडलॉक्स इंपॉर्टेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, तो पहले उन्हें कंप्लीट किया, तो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए उन्हें कवर किया, तो जैसे वो एग्ज़ाम में गए तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों से जैसे बता रहे थे कि
आपने पेपर अटेम्प्ट किया एंड कुछ एक या दो क्वेश्चंस आपको लगा कि बहुत मुश्किल आ गए हैं, और उस केस में फिर उनको कि यस कि वो डिमोटिवेट हो गए कि पूरा ही पेपर मुश्किल आ गया, बल्कि ऐसा हो सकता है कि लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़े ईजी हैं, तो उस केस में कि क्या करना चाहिए, पहले रिव्यू करना चाहिए पूरा पेपर को? तो मैं पहली बात सो सिली मिस्टेक्स की आपने बात की है, लेकिन सिली मिस्टेक्स आप इलिमिनेट नहीं कर सकते, कि ऐसा हो नहीं सकता यार कोई सिली मिस्टेक्स ही नहीं करें, इवन टॉपर डिडंट गेट 100 मार्क्स, इवन दो ही नोज ओवरऑल 100 मार्क्स क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, बट ही डिडंट गेट 100 मार्क्स। आप एक्सीलेंस के पीछे मत भागे, आप इलिमिनेट नहीं कर सकते सिली मिस्टेक्स, आप करेंगे ही, तो बस ये चाहिए कि उसे मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है, जितना मिनिमाइज हो सके। और टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो जो सिंक्रोनाइजेशन के जैसे क्वेश्चन होते हैं, डिसाइडेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, कैशे के क्वेश्चन होते हैं, डीएमए के क्वेश्चन, तो ये सब कंप्यूटर साइंस के लिए टफेस्ट टॉपिक माने जाते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा होता है लेकिन थोड़ा सा लॉजिक होता है उसमें, ठीक है, तो डर जाते हैं। 2018 में ऐसे नेटवर्क का क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ था लेकिन सिंपल सा सॉल्यूशन था 10 × 550, दैट्स अ स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन एंड ही मोल्डेड इन कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म में, स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन मोल्डेड इन कंप्यूटर, दैट्स व्हाट आईटी प्रोफेसर डू इन। और बात करें 3 आवर्स स्ट्रेटेजी की, तो कभी भी पेपर को प्री जज मत करिएगा कि ये टफ, ये पेपर टफ है। देखो मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे जो इस बार 2019 का पेपर था बहुत आसान था, तो मुझे जो शुरुआत के 3 या 4 क्वेश्चन मिले वो उस पेपर के सबसे टफ क्वेश्चन थे। मेरे पेपर रैंडम होता है कि कोई ऐसा नहीं कि हर सब में सेम आ रहा है, ठीक है, सबके सेट्स अलग होते हैं। हाँ, तो मेरे साथ हुआ था कि शुरुआत के बहुत 4 या 5 क्वेश्चन टफ टफ थे, ऑटोमेटिक लाइक 120 स्टेट्स वाला था, कैसे का क्वेश्चन था, ऐसे थे, तो मुझे लगा कि ये पेपर टफ है थोड़ा, तो मैंने सोचा कि एक सेफ स्कोर लेके चलते हैं, 70 to 75 के बीच में मुझे लग रहा था सेफ स्कोर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर 73 रैंक्स पे 27 रैंक बनी थी। इस टाइम अभी एग्जाम आपका बहुत इजी आया था, तो फिर इतने रैंक फिर आपके, तो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कम किया, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो मैंने लेस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मेरे 50 क्वेश्चन लगभग सही थे, एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन सही थे, तो लेकिन मेरी एक्यूरेसी मोर देन 95% थी, तो ये हुआ कि लेकिन अगर मैं कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता, लेकिन मैंने ये दिक्कत प्रॉब्लम क्या हुई, मेरे से मैंने प्रीजज कर लिया कि पेपर टफ है और 75 एक सेफ स्कोर होगा, मुझे लगा कि 74-75 मार्क्स सिंगल डिजिट रैंक ला देगा। सो इसके लिए एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास जब गेट का पेपर स्टार्ट होने से पहले एक देयर इज अ बटन की जहां पर आप उसको कंप्लीट एनालाइज कर सकते हैं, एक जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो गेट के सारे फीचर्स को ध्यान में रख लीजिएगा, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट क्या होता है, और 2-3 फीचर्स होते हैं, ठीक है, और एक फीचर होता है कि आप पूरे पेपर को एक पीडीएफ फॉर्म में शुरुआत में ही देख लेंगे, तो आप एक बार उसे 1 मिनट दीजिए, उस पेपर को देखिए पेपर कैसा है, ठीक है, ये मत शुरुआत में मत जज करिए कि ईजी है टफ है, और उस पेपर को देखने के हिसाब से आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अगर आप बहुत टफ पेपर है और आप सोचेंगे आप 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएँ तो वो आपके लिए दिक्कत वेरी टफ, और आप उसमें पैनिक कर जाएंगे, हो सकता है आपसे 40 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो, ठीक है, और इजी क्वेश्चन है आपको टफ लग रहा है, इजी पेपर है और आपको टफ लग रहा है, तो आप हो सकता है कि 50 क्वेश्चन भी नहीं लगे, आपको लगे कि ये सेफ स्कोर है, ऐसा नहीं, जो मेरे साथ हुआ था। तो पहले आप पेपर देख लीजिए, गेट बहुत सी चीज़ें ऐसे प्रोवाइड करता है, आप वर्चुअल कैलकुलेटर को एक बार पूरे थॉरली देख लीजिए कि उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल निकालने में उसमें थोड़ा टफ होता है और सब भी चीज़ें होती हैं, तो हाँ 2018 का जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं था, वो वर्चुअल कैलकुलेटर का क्वेश्चन था, था क्या कि उसमें साइन तो मैम जो उस क्वेश्चन था वो साइन की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन बच्चों को वर्चुअल कैलकुलेटर में ये नहीं पता कि वो साइन रेडियन में लिखना है कि डिग्री में लिखना है, तो ये अगर वो साइन 90 आ की वैल्यू आ रही है, अगर वो रेडियन में कुछ और वैल्यू होगी और डिग्री में कुछ और वैल्यू होगी, तो कैलकुलेटर्स को भी आपको वो करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है, कहीं आपने मार्क फॉर रिव्यू नहीं, मार्क फॉर नेक्स्ट वो कर दिया तो आपका आंसर नहीं सेव होगा, और जब आप किसी भी आंसर को मॉडिफाई करिए तो फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करिए,
मतलब सेव एंड नेक्स्ट करिए, अगर आपने एक क्वेश्चन आंसर किया फिर उसको आंसर चेंज किया और आप डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन में जंप कर गए तो क्वेश्चन कल वो नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा, आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये सब भी सिली मिस्टेक्स में ही आते हैं। सिली मिस्टेक्स, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ सिली मिस्टेक्स, लाइक अगर आप एक पेपर देने जा रहे हो तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो जो आपके पास फंक्शनैलिटीज़ आपको एग्जाम में दी हुई है तो वो आपको पता होना चाहिए कि उनको कैसे यूज़ करना है। एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि जैसे सर ने बताया कि देर इज़ अ वन बटन इज़ देयर जहाँ पर आपको PDF फॉर्म में आपको कंप्लीट पेपर आपको थॉरली आप एक बार ही देख सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल जो या तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करते हैं या फिर टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर 5 या 10 मिनट्स भी आपको लग रहे हैं ये चूज़ करने में कि कौन से एरियाज में जो मैंने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए हैं, तो आई जस्ट लिस्ट डाउन ऑल द टॉपिक्स कि दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस एरिया एंड दिस आर द माई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स, तो मैं इसे फर्स्ट वो करूँ, उसके बाद अगर सेफ, जैसे आपने बोला कि सेफ स्कोर आने के बाद हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से आप अपनी सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हो। ओके, सो कुछ जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम फर्स्ट थिंग इज़ कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है, तो आपने बताया कि सीनियर से आपको हुआ कि यहाँ से PSUs के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस है, टीचिंग में जाना है, एमटेक के लिए जाना है, तो गेट इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आती है कंटेंट की, बिकॉज देर आर सो मेनी कंटेंट्स विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो ऑफलाइन ऑल्सो, ठीक है, तो और ऐसा भी है कि एक एक इंस्टीट्यूट से या फिर एक पर्टिकुलर वेबसाइट से आप सारा कंटेंट आप नहीं ले सकते, किसी में कुछ अच्छा है किसी में कुछ अच्छा है। तो सबसे पहली बात कि कंटेंट्स अगर हम टेक्निकल पार्ट को देखें जो कि एप्टीट्यूड को अगर छोड़ें, तो अगर एक एक सब्जेक्ट्स को हम देखें तो फर्स्ट थिंग इज़ कि क्या हर सब्जेक्ट के लिए बुक्स को रेफ़र करना ज़रूरी है, या फिर नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, या फिर वीडियो लेक्चर्स इज मोर देन सफिशिएंट, तो इस बारे में थोड़ी सी आप गाइडलाइन दे सकें। देखिए कुछ भी सफिशिएंट नहीं है, आप सबका कम्बिनेशन सफिशिएंट है, ठीक है, बस आप वीडियो लेक्चर से नहीं गेट निकाल सकते, वीडियो लेक्चर नोट्स और बुक्स एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज ऑल कम्बाइंड आर सफिशिएंट। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट सबको मिल जाता है, कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पूरे साल निकाल देते हैं कंटेंट ही निकालने में और उनको रिवीजन करने का समय नहीं मिलता है, तो ऐसा भी मत करिएगा कि बहुत सारे कंटेंट ही लिखने, एक ऐसा लिखिएगा, ऐसा कंटेंट डिज़ाइन करिए, मतलब डिज़ाइन किया करिए अपने नोट्स में, ऐसा लिखिए कि वो गेट के लिए सफिशियंट हो, आपको वहाँ PhD नहीं करनी है, ठीक है, आपको गेट्स में रैंक लाना है, नंबर लाना है, हो सकता है रैंक 1 हो जो रैंक 500 से कम नॉलेजबल हो, लेकिन उसके लिए कोई एक्सपर्ट से आप पहले सजेशन ले सकते हो कि कहाँ से क्या करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप 10 इंस्टीट्यूट्स पे या फिर 10 सोर्सेज है तो वो आपको कंफ्यूज करेगा ही करेगा, ठीक है, तो नोट्स आपके पास कंटेंट आ गया, अब आता है कि आप रिवीजन करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो गेट में सक्सेस के लिए मुझे लगता है कि 50% आपका कंटेंट इम्पॉर्टेंट होता है, 50% आपके टेस्ट सीरीज और रिवीजन इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, दोनों को आपको साइमल्टेनियसली करना होगा, ये नहीं कि आप एक बार पूरा पढ़ लिए फिर उसके बाद आप रिवीजन ही नहीं कर रहे, बस टेस्ट ही देते जा रहे हैं, टेस्ट ही, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, रिवीजन भी लगातार चलते रहना चाहिए। तो आपने कोई स्केड्यूल बनाया था अपने रिवीजन का कि जैसे लाइक कि मुझे 1 वीक में अगर कंप्लीट हो गया तो फिर करना, फिर 1 मंथ के बाद, फिर 2 मंथ्स के गैप के बाद, तो ऐसा कुछ स्ट्रेटजी? जैसे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरे सब्जेक्ट्स जो भी लेंदी नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को और CO को छोड़ दीजिए तो 10 से 15 दिन में कम्प्लीट हो जाते थे, ठीक है, तो जब मेरा कंप्लीट हो जाता था तो जब मैं साइमल्टेनियसली किसी भी कोई भी टेस्ट सीरीज का मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं 30 से 45 मिनट के वो मैं देते रहता था, ठीक है, टॉपिक वाइज देता था, सब्जेक्ट वाइज मतलब टॉपिक वाइज होता था और फिर उसके बाद फिर एक सब्जेक्ट का 1.5 घंटे का एक पेपर होता था, ठीक है, वो देता था, उससे मुझे नए नए जो कॉन्सेप्ट होते थे वो मैंने एक टेस्ट सीरीज की बुक कॉपी बनाई थी उस पर नोट डाउन करता रहता था, जहाँ भी नए कॉन्सेप्ट मिले नोट डाउन करता, तो मेरा एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, ठीक है, अब जब मैं सेकंड सब्जेक्ट को जाता था फिर यही रिपीट करता था, लेकिन उसके साथ मैं फर्स्ट सब्जेक्ट को भी रिवाइज देखता रहता था कि मैं कि भूलूँ ना, ठीक है, आप भले ही अपना 10th सब्जेक्ट पढ़ लें लेकिन आपको 9th सब्जेक्ट में पूरा नहीं तो लगभग इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप एक बार देखें तो फिर से आप रिट्रीव कर सकें। ओके, लेट्स सपोज कि जैसे कि आपने लेट्स सपोज आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट किया एंड आपने एक डेडलाइन कवर कर कि मुझे 7 डेज में से कंप्लीट करना है एंड साइड बाय साइड जो मेरे टॉपिक्स होते रहेंगे उनके मैं टेस्ट देते रहूँगा और उसके बाद 8
जब 8 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद मुझे उसको कंप्लीट टेस्ट देना है. लेट सपोज आपने मंडे से फिर आपने नेक्स्ट उठाया, कोई भी सब्जेक्ट उठाया जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो फिर उसके लिए आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको रिविजन करने के लिए आप नोट्स को रिवाइज करते थे जो हो चुका है ऑलरेडी, या फिर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको होते थे उसे आप सॉल्व तो करते तो थे. आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं. बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरे नोट्स को रिवाइज अपने आप करवा देते हैं. ओके, यस, पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ही खुद टेस्ट कर लेता है, तो बेटर रहता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. और क्वेश्चन कैसे पता चलेगा उसको सॉल्व करना है, जब आप पहली बार सॉल्व करें तो मार्क कर दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर ऐसे करिएगा. और फिर अगर आपको लगता है कि आप बस क्वेश्चन से नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप कंटेंट भी रिवाइज कर सकते हैं अपने नोट्स को भी, लेकिन मेन फोकस आपका जो प्रेजेंट रिवीजन कर रहे हैं उसी पे रहना चाहिए. मतलब आप कंप्यूटर नेटवर्क रिवाइज कर रहे हैं तो उसी पे रहना चाहिए, ये नहीं कि अगर मुझे ओएस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए हैं तो मेरा माइंड उस पे ना चले गया, मुझसे ओएस भी भूल गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब स्टिक टू योर प्लान कि अगर मुझे 8 डेज में अगर मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो उसको उसी पे स्टिक हो जाइए, क्योंकि आपको इमोशनल नहीं होना कि मुझे मतलब मैंने एक मंथ आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को मैंने किया और उसके बाद फिर मेरे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मुझे इतना मिला, तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, बट साइड बाय साइड उनको भी साथ में लेके चलना है. ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आप एक ही रिवीजन में पूरा नहीं गेन कर पाएंगे. इवन टॉपर्स प्रणव शर्मा इन उधर का ही सर, हो सकता है उसने 10 से 15 बार रिवीजन किया हो, ठीक है, तो एक या दो रिवीजन में अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो डीमोटिवेटेड मत हो जाइएगा, ठीक है. रिवीजन मस्ट है, टॉपर्स भी करते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 हो चाहे 100 हो, कोई भी रैंक हो, वो रिवीजन मस्ट है, सभी करते हैं. किसी का ब्रेन इतना नहीं है कि एक ही बार पढ़ेगा सब वो याद रह जाएगा, ठीक है. तो आपका जो सिलेबस है वो आपका कब तक कंप्लीट हो गया था? सिलेबस तो मेरा नंबर के एंड तक कंप्लीट हो गया था, और नवंबर तक मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया. मैंने सारे सब्जेक्ट और सब टॉपिक वाइज टेस्ट जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसके दे दिए थे. फिर मेरे पास दिसंबर में मेरे इंसेम आ गए थे, सेवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन आ गया था, फिर उसके साथ मुझे प्रोजेक्ट के कुछ वो देने थे. तो दिसंबर आपने पूरा डिवोट किया कॉलेज कॉलेज को. दिसंबर 22 दिसंबर को मैं फ्री हुआ, फिर 1-2-3 दिन मैंने रेस्ट लिया. आफ्टर क्रिसमस हॉलीडे आई स्टार्टेड गिविंग फुल लेंथस. ओके, आई गिवन 15-20 फुल लेंथस. फिर उसके बाद लास्ट के जो 7-8 दिन बचे उसमें फिर मैंने रिलैक्स किया, और जो जो मुझे वीक टॉपिक्स लग रहे थे अपने पुराने उसको मैंने बस देखा, बहुत डेप्थ में नहीं किया. मेन कंसंट्रेशन लास्ट के 6-7 दिन में ये था कि मैं अपने को तो कुछ नया कुछ स्टार्ट नहीं करना उस पॉइंट पे, कुछ ज़्यादा फिर टेस्ट नहीं देने, सिर्फ 7-8 डेज स्कूल रखना. आप कोई एक ऐसा टेस्ट सीरीज सब ज्वाइन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तो कोई भी एक ऐसा टेस्ट दे दीजिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए. मैंने क्या किया था कि मैंने अप्लाइड कोर्स है उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ठीक है, तो मैंने गेट से 3 दिन पहले उसके टेस्ट दिए थे, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 18 आई थी. ओके, 18 मेरी मतलब 1-10 बहुत बार आई है टेस्ट सीरीज में, लेकिन वो रैंक इसलिए मैटर करती थी क्योंकि उसके जो टॉप 17 और मुझसे आगे थे वो सारे इस बार अंडर 50 थे. ओके, एंड दे कीप यू नो मोटिवेटेड कि भाई अब मुझे आगे अगर मैं इस इन लोग के साथ कम्पीट कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और आगे मैं कर सकता, तो ये कॉन्फिडेंस मेरे पास आ गया था, तो मुझे ये पता चल गया था गेट निकल जाएगा मेरा. ओके, ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस आपको जैसे भी आया, आपको जैसे भी टेस्ट दे के आया, कुछ भी करके आया, किसी से बात करके आ जाए तो वही अच्छी बात है. तो ये कॉन्फिडेंस जैसे भी आपको आ गया, फिर उसके बाद गेट तो कॉन्फिडेंस का ही खेल है, क्वेश्चन तो वहाँ बस आपको टफ लगेंगे लेकिन जूम पे हो जाएंगे. बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है बट मॉक टेस्ट में मतलब वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते एंड एट दैट टाइम दे फील डीमोटिवेटेड, तो फिर उसके लिए उनको क्या करना चाहिए कि यू नो कि उनको लगे कि ओके यही दिस नॉट इनफ कि मॉक टेस्ट पे अगर आपको स्कोर अच्छा नहीं आया तो इट डजंट मीन कि आप गेट में भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते. देखो यार, देखो इस साल के हटा दो क्योंकि प्रणव शर्मा जो था वो कॉन्टिन्यूसली रैंक वन रहा हर टेस्ट सीरीज में भी और सब जगह, ठीक है, इस बार का हटा दो तो इससे पहले जितने भी गेट हुए हैं उसमें से बहुत कम ऐसे रैंक वन रहे होंगे जो टेस्ट सीरीज में भी स्कोर करते थे अच्छा करता थे, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के रैंक और एक्चुअल गेट रैंक में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है. आप टेस्ट सीरीज में रैंक 1 पाते हैं तब भी आप उसमें 500 पा सकते हैं, और अगर आप टेस्ट सीरीज में रैंक 500 पाते हैं तो आप एक्चुअल गेट में रैंक अंडर 10 या सिंगल डिजिट ला सकते हैं. तो टेस्ट सीरीज को आप दिल पे लेके मत सॉल्व करिएगा, टेस्ट सीरीज बस एक
प्रैक्टिस के लिए होता है, आप कैसे अपने मिस्टेक्स को कम करें, सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज कैसे करें, और तो नए नए कॉन्सेप्ट कैसे सीखें, और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3-3 घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रूम पे आके वो 65 क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन उस 3 घंटे में सॉल्व करना वही नहीं, हाईली प्रेशर में कि उसे कैसे करना है, मेन थिंग। ओके, ठीक है। एंड यू नो इन दिस एंटायर जर्नी एक और प्रॉब्लम आती है कि डाउट्स, जैसे कि अभी आप स्टूडेंट्स, आपने तो जैसे अब कॉलेज में थे तो यू टोल्ड मी कि 2 or 3 स्टूडेंट्स आर देयर हु आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गेट, तो हम डाउट्स ले लेते थे। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घर बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं कि देर इज़ नो सोर्स कि वहाँ से वो डाउट ले, तो उस केस में आप कैसे मतलब इस चीज़ को ये कैसे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप कैसे अपने डाउट्स को सॉल्व करते थे? जैसे तो मैं फाइनल ईयर में था तो मेरे साथ तो दोस्त थे, मेरा ग्रुप सर्कल अच्छा था, सारे ग्रुप्स में अच्छी रैंक आई है सारे दोस्तों की, तो मैं उनसे डाउट क्लियर हो जाते थे जितने बचते थे। और जो ऐसे हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं या जो जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या ठीक है, ऐसे हैं जो हाउसवाइफ्स हैं जो भी देना चाह रही हैं, तो उनके लिए तो बचता ही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही बचते हैं। ठीक है, आप बेस्ट NPTEL के वीडियोज़ देख सकते हैं, NPTEL के पूरे वीडियोज़ मत देखिएगा, उसमें बहुत से एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो गेट के लिए नेसेसरी नहीं होती सर। तो उसे देखिए, उसमें छाट छाट के आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कम्युनिटीज़, बहुत सी कम्युनिटीज़ जैसे गेट ओवरफ्लो, गेट ओवरफ्लो एवरी वन नोज गेट ओवरफ्लो, मुझे बहुत हेल्प मिली वहाँ से गेट ओवरफ्लो से। तो वहाँ के क्वेश्चन क्या होता है गेट ओवरफ्लो में, होता है कि वहाँ के जो कोई आंसर होते हैं वो प्रीवियस रैंक होल्डर ही देते हैं, या मतलब कोई स्टूडेंट ही देता है, मतलब वहाँ कोई प्रमोशन या कोई वैसे नहीं है, तो वो गेट ओवरफ्लो हेल्प करता है। और आपको कहीं देखना है कि ओरा पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत से लोग आंसर लिखे होते हैं, और गूगल करिए, और बहुत सी ऐसे फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए होते हैं PDF, स्टैनफोर्ड के PDF, IITs के PDF होते हैं, वहाँ से आप देखिए, तो आपको कोई भी डाउट है तो वो तो मिल जाएगा। जैसे मेन डाउट सबको बेसिकली कहाँ होता है, डिसेबिलिटी में होता है, कैशे में होता है, DMA में होता है, सिंक्रोनाइजेशन में होता है, ये सब डाउट होता है। और इन सभी डाउट्स का PDF अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के, स्टैनफोर्ड के, सबके हैं यहाँ पे, तो अगर कुछ पर्टिकुलर आपको लग रहा है कि यहाँ इस टॉपिक में अगर मुझे डाउट है तो यू कैन आल्सो रेफर द बुक आल्सो, राइट? सो फॉर दैट पार्ट ओनली नेटवर्क्स के लिए आपको बुक रेफर करना ही होगा फोर्जन, ठीक है, उससे कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है, फोर्जन मतलब पूरी बुक तो नहीं पढ़नी है, जो जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने होंगे, TCP और IP का सर हिमालय, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया हुआ है, और CV उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे से आपको जो भी टॉपिक्स में डाउट हो, जैसे IPV6 इसमें एकदम नया टॉपिक है, गेट में नया नया हुआ है, ठीक है, तो ये इसके कंटेंट कहीं मिलेंगे नहीं, तो इस समय आपके DG Mentor में है, ठीक है, अवेलेबल है, इसे आप देख सकते हैं। और आपको कहीं दिक्कत है तो PDFs मिल जाती है सर। आई मीन देर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज देयर ऑन ऑनलाइन, तो इट्स जस्ट कि आपको अपनी जर्नी एक बार ही स्टार्ट करनी है, तो उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे यू गेट टू नो कि ओके ये यहाँ से ये चीज़ मैं ले सकता हूँ यहाँ से ये। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप नवंबर तक अपना सिलेबस कम्प्लीट कर ले तो गेट, तो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कम्प्लीट मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे विल गिव यू कि जो आप सिली मिस्टेक्स अगर आपकी हो रही एग्जाम में, दे विल इम्प्रूव इट एंड दे विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कि नेक्स्ट टाइम यू कैन ऑल्सो यू नो डू बेटर। सो बाकी जो आप एक्सपीरियंस हैं, जो भी नए हैं या फिर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और तो उनके लिए अगर आप कुछ सक्सेस मंत्रा बोल सकते हो तो बताइए प्लीज़। सक्सेस मंत्रा ये है कि आप गेट जब भी प्रिपरेशन शुरू करिए, कोई भी ब्रांच हो जाए, ECE से वो ECE का बच्चा हो, वो CSE गेट देना चाहे मैकेनिकल का हो, तो CS में मेन गेट में जो फोकस होता है वो प्रोबेबिलिटी और कम्बिनेशन कंप्लीशन जो होता है, कम्बिनेटरिक्स जिससे हम लोग डिस्क्रीट मैथ में के अंदर में आता है। तो आप एक कोशिश करिएगा कि आप गेट प्रिपरेशन शुरू करने से पहले 10 से 15 दिन आप प्रोबेबिलिटी परमिटेशन कम्बिनेशन को दीजिए, ठीक है, उससे अगर आपका वो स्ट्रांग हो गया, आपकी वो लॉजिक बिल्ड हो गई, तो आपके वो पूरे इंटायर जर्नी में हेल्प करेगी। कंप्यूटर साइंस की अगर आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाना, तो फॉर दैट यू नीड टू नो परमिटेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, ठीक है, चाहे किसी भी ब्रांच को आप ECE से भी देना चाहते हो, मैकेनिकल से मतलब CS के थ्रू गेट देना चाहते हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी और परमिटेशन कम्बिनेशन अच्छा ही करना होगा। तो हमेशा हर गेट में रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन इतनी दूर से आते हैं,
और वो क्वेश्चन डायरेक्ट इनके नहीं होते, वो मोल्डेड फॉर्म में होते हैं, या तो कंप्यूटर इंटरव्यू में प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, या तो डीबीएमएस में पूछते हैं, जैसे 2017 में सीरियलाइजेबिलिटी का क्वेश्चन था, उसमें नंबर ऑफ हीप्स का क्वेश्चन था, इस बार कंप्यूटर नेटवर्क नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सपेक्टेड लेंथ का क्वेश्चन था सब, तो ये सब रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, वो डिस्क्रीट में मतलब सही पूछे जाते हैं। तो सो इफ यू वांट टू गेट गुड रैंक देन यू हैव टू डू दिस टू सक्सेस मंत्र है इसकी, सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी आपको कवर करना चाहिए, उसके बाद यू हैव टू जंप टू योर फेवरेट सब्जेक्ट्स जो आपके फेवरेट हैं, ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्डअप हो सके। और प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी के लिए 12th क्लास बुक इज मोर देन सफिशिएंट। आईआईटी में बहुत लोगों ने आईआईटी की प्रिपरेशन तो की होगी सभी ने, तो वहाँ से पढ़ लीजिए, या तो केनिथ रोसन में भी दिया हुआ है वो डिस्क्रीट मैथ्स की बुक्स, आपको जहाँ से भी लगेगा आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन और पीएनसी अच्छे से सीख सकते हैं, मतलब बहुत हाई लेवल नहीं, मतलब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन यूज होता है, कब परमुटेशन यूज होता है, कैसे करने हैं, ठीक है, वो आपको मतलब आपको इमेजिन होने लगेगी कैसे हो रहा है अरेंजमेंट। तो इसके बाद ये जब हो जाता है उसके बाद गेट सीएसए केक वॉक है। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन इज कि गेट के जैसे कि देयर इज टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज जनरल एप्टीट्यूड एंड सेकंड वन इज टेक्निकल पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट को क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको एस्केप कर देते हैं कि ये तो हो जाएगा, क्योंकि दिस ईयर इज लाइक कि एप्टीट्यूड बहुत ईजी आया था, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि पेपर थोड़ा टफ रहता है, तो उसके जनरल एप्टीट्यूड के लिए क्योंकि देयर इज नो फिक्स्ड सिलेबस फॉर दैट, तो उसके लिए आप कैसे क्या आप सजेशन देना चाहोगे, कहाँ से वो प्रिपेयर करें और कितना टाइम उससे डिवोट करना इज यू नो कि इट्स इनफ। जब आप गेट सीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि 15 नंबर काफ़ी वेटेज होता है, ठीक है, 15 मार्क्स काफ़ी वेटेज है, सो यू नीड टू डू दैट, लिस्ट आउट द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, टॉपिक्स लाइक क्लॉक्स और समथिंग डिस्टेंस एंड स्पीड mention that topics and solve 2-3 question, there is no concept in all that question, yeah, only you know some tricks, there is some reasoning also, yeah, there reasoning also, yeah, there. जब आप वो सब कर लेंगे तो कुछ ज़्यादा ज़्यादा 15-20 टॉपिक्स हैं वो, ठीक है, उनको आप एक बार देख लीजिए, उनसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, उतना सफिशिएंट मुझे लगता है कि आप आपने इसके लिए एक्स्ट्रा डिवोट अलग से कुछ मंथ्स अपने लास्ट मंथ निकाला था, फिर साइड बाय साइड कुछ नहीं किया था, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी तो उसमें भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड के नहीं सॉल्व हो रहे हैं, वो टफ क्वेश्चन बनाते तो ठीक है, नहीं सॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे लॉजिक सीख लीजिए क्या कर रहा है, बस गेट में ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले एप्टीट्यूड के, गेट का जो एप्टीट्यूड का लेवल होता है वो मॉडरेट ही होता है या तो उससे ईजी होता है, ठीक है, तो बहुत अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, लेकिन हाँ करनी है, करनी है, उसे स्किप नहीं करना, तो फिर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज वेरी हाई वेटेज, इज 15 मार्क्स, मोर देन अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड सीओ कंबाइंड दिस ईयर, इट्स वेरी इजी आल्सो, आप इसको कर भी सकते हो बहुत अच्छे से। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अलग से नहीं पढ़ना, आप जितना 12th तक या 10th तक जानते हैं उतना ही हो जाएगा, अगर वोकैब स्ट्रांग करना है तो आप दे सकते हैं समय, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे जरूरत नहीं पड़ी, और किसी मुझे नहीं लगता किसी को इतना पढ़नी चाहिए कि वोकैब के लिए आप रोज 1 घंटे दें, ठीक है, अनलेस और अंटिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट और समथिंग एल्स। तो अगर जनरल एप्टीट्यूड को अगर देखा जाए तो वो लास्ट के 15-20 डेज में आप रिपोर्ट करके आप उसे दे सकते हो कि आप उसे कवर कर रहे हैं, और जनरल एप्टीट्यूड आप तब सॉल्व करें जब आप डीमोटिवेटेड हो, मेरे हिसाब से वो आपको थोड़ा फन लगेगा। ओके, दैट्स अ वेरी गुड टिप कि जब भी आपको लगे कि डीमोटिवेट या फिर आप थोड़ा सा बोर हो रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर है या फिर कोई भी सब्जेक्ट, जब सीएन पढ़ेंगे तो आपको 20 दिन भी लग सकते हैं, बोर होने लगेंगे, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो बीच में आप थोड़ा सा उसको समय दीजिए तो आपको लगेगा कि मेरे एक सब्जेक्ट भी कम्प्लीट हो गया इस चक्कर में। ओके, सो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, एक आकाश ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि जब भी आप मॉक टेस्ट को आप जब भी आपको मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उस केस में आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप एक बुक एक अलग से नोटबुक रख सकते हैं जहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, आप पूरा टेस्ट सीरीज को ही नहीं छाप दें, पूरे बुक्स को नहीं छाप, पतली सी कॉपी रखेंगे बस, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सारे, मतलब कुछ भी अलग दिख रहा है तो नहीं, मतलब जो लग रहा है कि आपको हाँ ये यूनिक है, ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये टेस्ट हो सकता है, बहुत से ऐसे टेस्ट में बहुत हाई लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जो गेट का भी नहीं टेस्ट करने वाला, कैसे में बहुत हाई लेवल क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कभी नहीं डाटा बस पे बन सकता है क्वेश्चन, जो कभी नहीं टेस्ट करा अभी तक गेट ने कभी नहीं किया तो हो सकता है अभी आगे भी नहीं है, जैसे डोमेन रिलेशनल कैलकुलस डीबीएमएस में आता है, टीआरसी के बाद का जो टॉपिक है वो भी बहुत से कोचिंग वाले पूछते हैं, तो आप
कहीं आप 10 से 15 दिन इसी में ले लिए कि मैं DRC पढ़ लेता हूँ, डोमेन रिलेशन कैलकुलस या कुछ और पढ़ लेता हूँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मतलब जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनके पास अभी कोचिंग वो नहीं जा रहे हैं, तो अगर वो घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं थ्रू यू नो ऑनलाइन सोर्सेज वगैरह, तो उनको जैसे कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक जैसे लाइक DBMS ठीक है, ये सब्जेक्ट है, तो उनको कैसे मतलब वो आइडेंटिफाई करें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें फर्स्ट कवर हमें करना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन हमें लगाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर आपको ये पता करना है कि कैसे क्वेश्चन मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं गेट में, इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप गेट के क्वेश्चन ही पिछले देखते होंगे कि किस किस टॉपिक से हैं। जैसे कैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2017 में जो रैंक डिसाइडर था वो कैसे के क्वेश्चन थे 3-4 आपकी उसी से रैंक बनती थी। ठीक है, इस बार जैसे सी और DS के क्वेश्चन बहुत आए थे, प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम दे हुआ था उसके आउटपुट लेते हैं, तो रैंक डिसाइडर ये सब क्वेश्चन थे, तो हर बार उनका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा रहता है। ठीक है, दिस टाइम दे मोस्टली आस्क फ्रॉम द CNC डेटा स्ट्रक्चर। हाँ, दिस टाइम दे, और 2017 में कैशे बहुत था। ठीक है, 2018 में जो रैंक डिसाइडर था वो CO का क्वेश्चन था, दैट ऑपरेंट फॉरवर्डिंग क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ मिनट्स रैंक डिसाइडर क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन आपको जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक्स को पढ़ना है, किस टॉपिक को लीव करना है। लेकिन लीव किसी को मत करें, एक ओवरव्यू ले लीजिएगा, मतलब डेप्थ में मत जाइएगा किसी भी चीज़ में। जैसे TRC बहुत से लोग छोड़ देते हैं क्योंकि TRC का क्वेश्चन अभी बहुत कम आया है। ठीक है, तो TRC लोग छोड़ देते हैं, डिसाइडेबिलिटी भी लोग छोड़ देते हैं क्योंकि टफ टॉपिक में। तो मेरे हिसाब से छोड़िए मत, एक बार देख लीजिए, हो सकता है इसे आसान क्वेश्चन आए, सब कर जाए अपने घर पर। ओके, तो देख लीजिए, हो सकता है आसान आ जाए, आप सॉल्व कर ले जाए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, एक बार देख तो लेना ही है। सो यू हैव टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स राइट, तो कुछ ऐसा हो सकता है कुछ आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ वीक हो सकते हैं, तो दैट्स फाइन, बट यू हैव टू कवर एंटायर सिलेबस बिफोर। अगर आप हर सब्जेक्ट में एवरेज भी हैं तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको CN में बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, CO में बहुत अच्छी वो चाहिए, आप सब में एवरेज हो तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अनलेस और अंटिल यू हैव वेरी गुड प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉब्लम। सो इट्स अ वेरी राइट टाइम कि आप अगर अभी से प्रिपरेशन कर लो, देयर इज मतलब कि यू हैव 1 ईयर, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो हार्डली अगर हम देखे जाए क्योंकि ऑलमोस्ट एवरेज टाइम कितना प्रिपेयर करें, अगर हम अभी से स्टार्ट करें प्रिपरेशन, जो भी फॉर वेरी गुड प्रिपरेशन इंडिविजुअल नीड्स 7 months। और फिर वो एवरेज आर्ट्स कितने रहेंगे कि अगर इतना डिवोट करेंगे तो दैट विल बी मोर देन फाइन। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट तो आपके पास समय होगा, लेकिन आप अगर जॉब कर रहे होंगे तो आपको 3 से 4 घंटे ही मिल पाएंगे मैक्सिमम, हो सकता है इतने भी ना मिले, सैटरडे संडे को मिल सकते हैं और बाकी वीकडेज में तो मुश्किल ही है मिलना। तो कोशिश करेंगे सैटरडे संडेज को मैं ज़्यादा दे दूँ, 8 से 10 घंटे दे दूँ और बाकी रीजे बस 1-2 घंटे कॉन्टेक्ट में आपको रहना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट के बाद। हाँ, तो उसके बाद अगर आप 2 या 3 घंटे भी दे रहे हो अगर रेगुलरली तो दैट विल बी, और जब एग्ज़ाम आ जाए क्लोज आ जाए जैसे मैं 1 मंथ और हाफ मंथ बचा हुआ, तो फिर आप अपने वर्क अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, 8 आवर्स 10 आवर्स जो भी करना है। ओके, आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप बता रहे थे कि रिलेटेड टू योर नोट्स, यू वांट टू हेल्प दोज पीपल्स हु डोंट हैव यू नो प्रॉपर कंटेंट एंड रिसोर्सेज, सो जस्ट प्लीज टेल अबाउट दिस। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे जान ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो नेट की भी दिक्कत होती है, तो मैं अपने जो PDFs हैं, मैं अपने नोट्स की PDF बना के जब मैं यहाँ लाइव सेशन लूँगा तो उसके लिंक आपको दे दिया करूँगा, आप उस नोट से कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो उस नोट्स को मैं खुद ही एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे मेल करिएगा जी, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उस पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि जो सर के डाउट्स होंगे, जो भी सर के नोट्स हैं, जिन्होंने भी इन्होंने प्रिपेयर किए, जैसे इन्होंने प्रिपेयर किए, कहाँ से कितना कंटेंट उन्होंने पढ़ा है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो आपको PDF आपको मिलेगी एंड उसके बाद सर ही एक्सप्लेन करेंगे उन नोट्स को कि आपका या सो दैट्स अ मेजर इशू कि डाउट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो सर आपको उस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो वेरी नाइस टू टॉक टू यू सर, थैंक यू सो मच।